नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। हरिद्वार के पंतदीप मैदान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रोड शो में हिस्सा लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। गढ़वाल क्षेत्र में यात्रा 60 किलोमीटर, कुमाऊं में 1890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल और डबल इंजन की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार पंतदीप में। विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर हैं। अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि हमें दिखाएं कि किस तरीके से पूरा जनसमूह जो उमड़ा हुआ है विजय संकल्प यात्रा में। आज जो 11 विधानसभाएं हैं उनमें हरिद्वार की जो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी जो मौजूद हैं इसमें। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मदन कौशिक जी मौजूद हैं। भाई दो सवाल करते हैं इनसे कि आज की जो संकल्प यात्रा है उसको लेकर क्या तैयारी है और पब्लिक के बीच में जा रही है यात्रा, क्या इसका फायदा होने वाला विधानसभा चुनाव में। जी स्वागत है। विधानसभा क्षेत्र के सभी ये यात्रा नेताओं और कार्यकर्ताओं का 4000 विजय संकल्प यात्रा में स्वागत और अभिनंदन। संकल्प यात्रा का मान्य प्रदेश अध्यक्ष ने जो आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वो जनता के बीच में बताएंगे। आप सबसे हमने डबल इंजन कहता था वो हम बताएंगे। सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, डबल इंजन की जो सरकार है उसने जो भी विकास कार्य किए हैं वो जनता को उनसे अवगत कराया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली, स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीवा में 269 करोड़ की लागत से 84 योजनाओं का शिलान्यास किया और 12 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा के कंजाबाग चौराहे में एक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी, साथ ही जल्द आरटीओ ऑफिस खोलने की बात कही है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत के पोस्टर बैनर लगा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी उन्हें गुंडा कहा करती थी। स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज गोडीहाट में एक दिवसीय नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री विशन सिंह चुफाल ने नदी उत्सव का शुभारंभ किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में नदियां हैं, उनका भी उत्सव मना रहे हैं। जनता ने यहाँ की जो संस्कृति है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो कार्यक्रम है और जो अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उससे जन सहभागिता के माध्यम से जो कार्यक्रम नदियों का जो रख रखाव है, नदियों का जो स्वच्छ जिसका कूड़ा करण फांकने का जो सब संकल्प किया उसको लेकर इस सफल कार्यक्रम। 20 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रहे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो के साथ कई अहम बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को वो तपकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद युवा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तेजस्वी सूर्या जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका उत्तराखंड का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में होना है, जिसमें उनकी सांगठनिक बैठक रहेगी रोड शो के माध्यम से और सांगठनिक बैठकों के माध्यम से। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस दिवंगत जनरल बिपिन रावत के गांव से सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के ऑडियो वीडियो को दुनिया ने देखा है, उन्हें जल्द सब पता चल जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश में सेना का सम्मान हुआ है।
बहुत टाइम खुलेगी और सभी लोग जानते हैं कि हरीश रावत जी ने जो भी काम किए हैं अपने समय में और किस प्रकार का उनके सारे ऑडियो भी लोगों ने देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं और उनकी सरकार की। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके सहयोगियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तराखंड पौराणिक और सांस्कृतिक संवर्धन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद शास्त्री, इसके साथ सचिन उनियाल समेत तमाम नेता लोग मौजूद रहे। प्रदान हुई है उसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहाड़ की शहादत के रूप में देखा है और उस शहादत के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के दिशा निर्देशन से आज हम तृतीय प्रयाग करण प्रयाग में उन्हें पुष्पांजलि देने के लिए एकत्र हुए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बागेश्वर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बच्चों के बेहतर स्कूल के लिए आपको वोट देने की अपील की। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से सरकार चलाई और राज्य को बर्बाद किया। शिक्षा, रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी मामलों में जनता के साथ धोखा किया गया है। पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं, कर्नल कोटियाल साहब को एक मुख्यमंत्री के रूप में और वसंत कुमार जी को एक यहाँ से अपना प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही काशीपुर को जिला बनाने की मांग यहां के क्षेत्रवासी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कभी किसी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है। तीन तीन पीढ़ियां जिला बनने के सपने को लेकर आंदोलन करती चली आ रही, लेकिन राजनीतिक दलों ने आज तक काशीपुर को जिला नहीं बनाया है। उत्तराखंड में 2022 की सरकार बनने के बाद में 6 जिले बनाए जाएंगे जिसमें काशीपुर भी एक जिला होगा, तो उसके बाद से विपक्षी दलों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस तकलीफ में शायद ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो। 1983 से बीजेपी संगठन से जुड़े तारा दत्त ने पांडे ने कोटबाग और कालाडूंगी में स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की वकालत की है। तारा दत्त पांडे ने कहा कि अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट देती है तो इसका काफी लाभ मिलेगा और पार्टी के नेतृत्व में विस्तार भी होगा। तारा दत्त पांडे ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैंने जमीनी स्तर से कार्य किया है, मेरे हर कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और उनका भी दबाव है कि आप भी चुनाव लड़ने का भी भविष्य में, और यहाँ का आज तक विधायक नहीं बना। पार्टी किसको टिकट देगी? पार्टी का हमारा हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट दे, हमारे धरातल कार्यकर्ता टिकट दे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कल से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का, 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है, विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हों सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों के सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से
विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। खुदी को रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब आवर टीम हैज डन मार्केट सर्वे, आउट ऑफ 600 पीपल देयर वर 38% पीपल सेइंग दैट दे डोंट फाइंड एनी टेलर इन 1 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस। तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। वी वुड वांट टू हेल्प यू इन स्प्रेडिंग द वर्ड एंड ऑल्सो प्लेस एन ऑर्डर विथ यू ऑल around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders stored for now. Bahut badhiya, very good. Ab milte hain Mystic Dates se. Mystic Dates kya hai? Ye ek healthy beverage पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। ठीक है, देखिए हम स्मेल से कॉफी। यस वाओ, मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएटेड। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। सब बनेंगे फॉलोअर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर का फिल्म में टशन टशन का ये जशन है। राष्ट्रीय टशन का जशन। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या आपकी बात, बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार या फिर सपा बसपा प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश की चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश कुर्सीनामा रोजाना दोपहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए धर्मनगरी हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 3 दिवसीय धर्म संसद का शुभारंभ हुआ। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह सिंहानंद गिरी को देखरेख में शुरू धर्म संसद में कई संत और आम लोग पहुंचे। धर्मादेश जी महाराज जी और अमृतानंद जी जो सब युवा सन्यासी मिलकर तैयार करेंगे, हम अपनी बात इनके दिलों तक पहुंचा चुके कि इस्लाम से लड़ना बहुत जरूरी है और अब ये आग सबों के दिलों में आ गई है। मेरा काम यहीं तक था। हम लोग सबके हैं, हम लोग किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा संरक्षा और सुरक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की संरचना करना, यही इस धर्म संसद का उद्देश्य है। अगर देश को बचाना है तो हमें स्वामी जी के वचनों का पालन करना पड़ेगा अक्षरशः। हम स्वामी जी के साथ खड़े हैं, स्वामी जी के लिए हमारा तन मन धन प्राण आत्मा सब। काशीपुर में कांग्रेस ने अवैध खनन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया और सीएम धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष संदीप सहगल ने सीएम पर माफियाओं से लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए अवैध चांदी काटने में मशगूल है। आज जो हमने पुतला दहन किया वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गुजराल जी के आदेशानुसार खनन माफिया जो है उनसे पूरी तरीके से प्रेम दर्शाते हुए और इस घोषणाओं को घोषणा मुख्यमंत्री बनने का कार्य जुमलेबाज सरकार भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज हमने। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट सड़क निर्माण को लेकर 6 माह से लगातार अनशन के बाद अब भी आमरण अनशन जारी है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बेरी नाग पीडब्ल्यूडी में तालाबंदी कर 1 घंटा सांकेतिक धरना दिया। वो घर में तो बैठी हुई है, आमरण अनशन को मजबूर हो गई है।
लेकिन अभी भी कहीं से भी ये आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हमें कि हम वहाँ से रोड का काम शुरू करें। सिटी डेवलपमेंट और वन विभाग दोनों का इतनी लापरवाही है जो अभी तक वो सही नहीं क्लियर नहीं कर पाई उस फाइल को, जबकि 2016 में स्वीकृति हो गई थी। 2016 से 2021 में हमारी फाइल ऑनलाइन होती है। मैं 24 नवंबर में आपत्ति में वापस आया था, जिसे 7 दिसंबर को संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा 14 दिसंबर को इसका प्रस्ताव ऑनलाइन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत थराली में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नगर क्षेत्र में नालियों के पानी की निकासी ना होने से नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों के बीमार होने का डर सता रहा है। ये लगभग है ना, लेकिन एक दो दिन से नहीं होगी तो थोड़ा बहुत अगर कहीं है तो आज हम करा दे, आज हो जाएगा। महिलाएं जा रही है, कीचड़ ज्यादा है, नगर पंचायत वालों को बोल भी दिया था, फोन किया, वो फिर भी नहीं आए, फिर बड़े भाई साहब ने कहा। सितारगंज में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिससे खनन माफियों में हलकंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। इस दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए। इसमें लगभग 6 वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं है और 4 के पास भारी मात्रा में जो है वो आरबीएम भरा है, जो कि उसकी कैपेसिटी से लगभग दुगना है, और सभी में जो है जुर्माना आरोपित कर रहे हैं और उसके बाद ही। जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में विवादित जमीन का निर्माण कार्य में कार्य करने के आरोप लगे। जिस जमीन पर रोड निर्माण किया जा रहा है, उस जमीन को लेकर गांव के ही अशोक सरकार का वन विभाग से विवाद चल रहा है। फिलहाल पूरा मामला स्थानीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे के लिए आदेश करवा रखे हैं, उसमें सर्वे के लिए वन विभाग द्वारा रिपोर्ट भी लगाई गई है रेंजर के द्वारा कि संयुक्त सर्वे के बाद ही सरपंच को पाएगा कि जमीन किस विभाग की है और सर्वे करके रोड बनाई जाए। मैंने यही लिखित में दिया कि सर्वे करके रोड बनाया जाए। उनके द्वारा बताया गया है कि जो पकड़िया से मंगाली कॉलोनी वहाँ पर वन विभाग द्वारा कुछ सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश है कि वहाँ पर पहले ज्वाइंट सर्वे हो, तो मैं देखूंगा कि कैसे। हरिद्वार में नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने एम क्लस्टर शिवालिक नगर में नवनिर्मित संस्कार पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के विकास और सौंदर्य करण के लिए कटिबद्ध हूं। उन्होंने बताया कि पार्क में वाटर फाउंटेन, सतरंगी लाइट सहित अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकासनगर की सेलाकुई पुलिस ने स्मैक तस्कर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपी के पास से 34.29 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्मैक बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर स्मैक के साथ आरोपी को पकड़ लिया। पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जहां जशपुर नगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कोहरे की चादर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया है। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे शुभम रावत का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। इधर लेफ्टिनेंट शुभम रावत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गांव के लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है, हमें अपने संस्कार वगैरह बरकरार रखने चाहिए। गांव से पढ़ा है, लेकिन उसके बाद देहरादून में पढ़ाई करके प्लस उसके डिटर्मिनेशन थी कि मैं, और अपनी ट्रेनिंग चल रही थी मेरी आईएमए में।